यस, सो आज हो गया है 1st of Jan 2024। सो आप सबको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, और आज हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। और आज हमारे घर पे छोटा सा केक कटिंग सेलिब्रेशन है। किसका है? राहुल एंड धर्म दादा। यस, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। इतने शरीफ हो नहीं तुम लोग हैं। कैसे केक को देख रहा है, पूरा कंसंट्रेशन इसका केक में। ओए, अभी नहीं मिल सकता तुमको खाने के लिए। यहाँ देखो, पूरा कंसंट्रेशन इसका निक्कू में है, क्योंकि निक्कू केक खोल रहा है। hey! ओए, अभी नहीं मिलेगा, अभी नो केक। ये आज बना है दादा की फरमाइश पे। जी, हैप्पी बर्थडे दादा। तो सुबह आज मैंने दादा से पूछा कि दादा क्या खाना है, और दादा ने बोला कि मैम मटन बनाते हैं आज। मैंने बोला ठीक है, हालांकि बनाया पूरा दादा ने ही है। ऑब्वियसली जब से रुहान हुआ है तब से मैं दादा को इंस्ट्रक्ट करती हूँ, और फिर दादा बनाते हैं, और नेक्स्ट टाइम दादा बोलते हैं मैम मुझे पता है, मैं बना के बता दूँ। तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, तो इनकी तरफ से हमारी ये ट्रीट रही है। और मीनवाइल यहाँ बाहर रुहान अपने चाचू और दोनों बुआ के साथ बैठ के मस्ती कर रहा था, खेल रहा था। ये केक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सबको कट के। यहाँ पे ये अम्मी के लिए पैक हो गया है, और मेरी मम्मी के लिए भी पैक हो गया है, दादा के घर ले जाने के लिए भी पैक हो गया है। पापा तो यहीं खा लेंगे, मेरे और शोएब के लिए भी यहीं रह जाएगा। और बस ऑल डन, पी रही हूँ अपनी चाय, और ये यहाँ कर रहा है न्यू ईयर का पहला व्लॉग है जो मैं शूट कर रही हूँ। सो आज है शोएब का शूट डे। शोएब जा चुके हैं शूट पे, और मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं ऑब्वियसली कुछ खाने के लिए ना भेजूं ऐसा नहीं हो सकता। एंड न्यू ईयर का पहला डे ऑफ शूट है, तो कुछ केक वेक टाइप होना चाहिए ना, इसीलिए आज मैं बना रही हूँ मेरे मोस्ट फेवरेट लैमिंगटन्स, जो मम्मी घर पे बहुत ज़्यादा बनाया करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था ये। और ये क्या है, कैसा है, वो जब हम साथ साथ में बात करते रहेंगे। फिलहाल मेरे पास बहुत बड़ा टारगेट है अचीव करने के लिए, और टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सबसे पहले काम में लगती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। बेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ये है स्पॉन्ज केक, एक ऐसे और तीन केक्स बन रहे हैं। ये रही चॉकलेट सॉस, अब मुझे फटाफट असेंबल करना है, क्योंकि उसके बाद मुझे चिकन रोल्स भी बनाने हैं। हमेशा से होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा ना। अरे हाँ, ओके। सो अभी मैं बना रही हूँ चिकन रोल। मैंने लैमिंगटन्स बना लिए हैं कई सारे, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने बनाना वॉलनट जो है डार्क चॉको चिप्स के साथ, वन सेकेंड, मैंने बनाना चॉको चिप ब्रेड बना ली है भेजने के लिए, और बस ये रोल्स मैं पैक कर रही हूँ, उसके बाद जो है मैं भेज दूंगी। एंड आई एम वेरी वेल इन शेड्यूल। आज जो है रुहान ने मेरे साथ बहुत ही बढ़िया कोऑपरेट किया है। वो उठा, थोड़ा खेला, थोड़ा सा दूध पिया, उसके साथ सो गया मम्मी के पास आराम से। तो आई फील लकी टुडे। बस असेंबलिंग, ये मैंने ड्राई चिकन बनाया हुआ है, और उसमें मैंने मिंट मेयो डाल दी है। मैं सोच रही हूँ मैं कुछ रोल्स में मिंट मेयोनीज डालूंगी, और कुछ रोल्स में जो है प्लेन मेयोनीज डालूंगी, तो जिसको जो पसंद है वो खा सकता है। बस ऊपर से थोड़ा सा चॉप्ड अनियन, और इसके ऊपर हम ग्रेट करेंगे थोड़ी सी चीज़। मेरा अभी देख के मुँह में पानी आ रहा है। वैसे बहुत यमी बने थे। टाइम टू रोल इट अप। इसलिए बटर पेपर पहले मैंने नीचे रखा हुआ था, बस अब इसको इस तरीके से रोल कर देंगे, और बटर पेपर को अच्छे से पैक कर देंगे, सो दैट इट्स ईजियर टू ईट ऑल्सो। सो दीज आर लैमिंगटन्स जो कि रेडी हो गए हैं।
सेट पे भेजने के लिए ये तीन डब्बों में मैंने भर दिए हैं और इस डब्बे में भी हैं। सो इतने आई थिंक वहाँ पे भेजने के लिए काफ़ी होंगे। तो ये मैं भेज रही हूँ, इसके साथ साथ वो चिकन रोल्स तो आपने देख लिए, वो मैंने रेडी कर लिए हैं, पैक कर लिए हैं। और लास्टली ये मैंने रेडी किया है बनाना वॉलनट विथ चोको चिप्स, ये है टी केक। तो इसको भी मैं कट करके जो है दोनों को भेज दूंगी। तो पैक कर रही हूँ और साथ साथ मैंने सब कुछ टेस्ट भी कर लिया। बहुत यम बना है, बहुत ही ज्यादा यम बना है। यस, तो ये था ट्यूसडे का वीडियो जब मैंने लैमिंगटन्स बनाए थे बहुत समय बाद। एंड मैंने केक बनाया था और चिकन रोल्स तो सिर्फ शोएब औरों के लिए थे, तो वो सब वहाँ टाइम पे पहुँच गए और सबने बहुत इंजॉय किया था। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो ये है व्हाट वी कॉल लैमिंगटन्स। ये मम्मी बहुत बनाया करती थी जब हम छोटे थे एंड मुझे बहुत पसंद था। तो मेरे बर्थडे पर मेरी हमेशा फरमाइश होती थी मुझे लैमिंगटन्स खाने, और मैं स्कूल में डब्बा भर के लेके जाया करती थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, और सबको खिलाया करती थी। सो इट्स बेसिकली स्पॉन्ज केक कवर्ड विथ चॉकलेट एंड देन कोटेड विथ डेसिकेटेड कोकोनट। एंड जब मैंने बहुत सालों बाद यहाँ पे अपने, और फिर मैंने बहुत सालों बाद जब इसे गूगल किया कि इसकी रेसिपी क्या है, तब मुझे पता चला कि दिस इज़ एन ऑस्ट्रेलियन डेलिकेसी। तो मैं बड़ी अच्छे हैप्पी हो गई थी कि अरे वाह, मुझे एक ऑस्ट्रेलियन डेलिकेसी आती है, इट्स कॉल्ड लैमिंगटन्स एंड इट्स यम। बहुत यम्मी लगता है, वाओ। सो ये देखिए, यहाँ आपको प्रॉपर लेयर दिखाई देगा, स्पॉन्ज केक और ये आपका चॉकलेट का आइसिंग है और ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट। सो दिस आई मेड द प्लेन लैमिंगटन। अभी तो इसके कई सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे कुछ बीच में कट करके जैम डाल देते हैं, कुछ जैम और क्रीम डालते हैं, कुछ चॉकलेट बीच में डालते हैं, लॉट ऑफ वर्जन्स। एंड आई एम श्योर और कई सारे नए वर्जन्स आ गए होंगे जिनके बारे में शायद मुझे पता भी नहीं होगा, बट दिस इज वन थिंग दैट आई लव। हाँ, मैं इस बार रेसिपी शूट नहीं कर पाई क्योंकि जब ज्यादा क्वांटिटी बना रहे होते हैं तो प्रपोर्शन भी अलग हो जाते हैं, एंड अगर शूट करने लग जाओ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्पीड कम हो जाती है, तो इसलिए इस बार मुझे भेजना जरूरी था। एंड ये न्यू ईयर में मेरा पहला ब्लॉग है, सो वंस अगेन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली होप आप सबके नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से हो रही हो, मेरी तो बहुत अच्छे से हो। मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि आई डिड वॉट आई ऑलवेज लव डूइंग, विच इज कुकिंग, बेकिंग। एंड एक्चुअली मेरे ईयर का एंड भी बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि लास्ट डे ऑफ द ईयर मैं और रेहान गए थे अपनी स्किन पैम्परिंग करने क्यूटिस में, एंड इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए अभी आप वो देखिए और फिर बहुत जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक लव यू ऑल गाइज, प्लीज 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 इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल। इस तरह से चीखना चिल्लाना आजकल जो है इसकी लेटेस्ट हॉबी है, इसी तरह से सुबह उठ के रोज इसका मस्ती टाइम चालू रहता है। और ये देखिए, ये मस्ती टाइम किसके साथ कंटिन्यू हुआ, सारा बुआ के साथ। ये देखो, वी आर रेडी टू गो, चले। ये वाले बैग में मजा आता है इसको, चलो। आज अम्मी को स्किन पैम्परिंग करनी है, चाचू को भी स्किन पैम्परिंग करनी है ना, घूमी घूमी, चलो चलो चलो। अरे बाबू, अरे ये बहुत प्याला बाबू। बेटा देख, यहाँ देख, रोहन करने जा रहा है। चलो पहुंच
बच गए हम लोग क्यूटिस और सीधा गए हम लोग अंदर लाउंज में सेटल होने के लिए, रूहान को वहां पे सेटल करने के लिए। यस चलो सो आज हम पहले इसकी ट्रीटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके ये जो एक्ने आ गए हैं, हालांकि ये घर पे काफी दिनों से एक रेजिम फॉलो कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ा है? थोड़ा फर्क पड़ा है, यहाँ पर नहीं है, बस थोड़े यहाँ पर है, यहाँ वाले काफी कम काफी। ठीक है, तो इसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। आज डॉक्टर गोयल नहीं है क्योंकि वो न्यू ईयर मनाने बाहर गई हुई हैं, लेकिन उन्होंने सब बता दिया है कि क्या ट्रीटमेंट्स करने वाले हैं हम लोग। तो इसका हम एक्ने एंटी एक्ने क्लीन अप करने वाले हैं। दर्द तो नहीं लगा थोड़ा सा थोड़ा सा क्यों वो लास्ट टाइम वो तो थोड़ा एकदम चुपता है, चिटचिट होता है, वो जो हाई फ्रीक्वेंसी है उससे थोड़ा सा चिटचिट होता है। कोई बात नहीं, कोई बात। चलो ऑलरेडी yes. तू तो ऐसे डर रहा है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं कुछ नहीं, अगर ज्यादा कुछ भी लगा तो बोल देना इनको। ओके ठीक है ना? हाँ इसी में लग रहा है? नहीं इस बार नहीं लग रहा। नहीं चल मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जी हाँ जी। सो रेहान का ट्रीटमेंट हो गया है स्टार्ट, मैंने चाय पी ली है, रूहान को फीड कर दिया और अभी वो मजे से मम्मी के साथ खेल रहा है लाउंज एरिया में। तो अभी मैं फ्री हूँ, मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ और आज मेरा ट्रीटमेंट करेंगी ताइबा। आज हम जो कर रहे हैं वो है क्रिस्टल आरएफ फेशियल, जो फ्रेंच टेक्नोलॉजी है और जो नॉन सर्जिकली हीट के थ्रू आपकी स्किन को टाइटन एंड कंट्रोल करती है। वाह, सो ये यहाँ पे कुछ नया आया है एंड लेटेस्ट आया है। मैं लास्ट टाइम आई थी तब भी मैंने ये करवाया था एंड डॉक्टर गोयल ने एक्चुअली मुझे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि ये वाला आप डेफिनेटली करो क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अभी आज मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है, क्या है, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत ही कम्फर्टिंग तरीके से ताइबा ने मेरे फेस पे एक क्लेंजर अप्लाई किया यहाँ पे। क्या है? एंटी टैन स्क्रब, जो डी टैनिंग में भी हेल्प करेगा आपको और स्क्रबिंग और स्किन को डीप एक्सफोलिएट करने में भी हेल्प करेगा। हाँ ये तो बहुत फन है। आपकी स्किन पे डीप हाइड्रेशन करेगा और प्रोब को मोशन करने में हेल्प करेगा। और ये क्या जेल है? ये हाइड्रेटिंग जेल है। ये हाइड्रेटिंग जेल हम इसलिए एप्लीकेशन करते हैं जब हम टाइटनिंग प्रोसेस करते हैं तो उसके बीच ये स्किन में पेनिट्रेट होकर स्किन को डीप हाइड्रेट भी करता है। ओके एकदम से ऐसे वार्म लग रहा है। वार्म फील। यस सो अभी हम जो मेन हमारा क्रिस्टल फेशियल ना yeah. वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये है मेन जो डिवाइस और ये ना एकदम हीट ट्रीटमेंट देता है आपके फेस पे। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है जब ये ट्रीटमेंट होती है आपके फेस पे। इस तरीके से देखिए स्ट्रोक्स दिए जाते हैं, एक तरीके से मसाज की जाती है एंड ये दो साइजेस में है। एक ये बड़ा साइज है जो इस वक्त लार्ज एरियाज जैसे कि ये जॉ लाइन हो गया, नेक हो गया, पूरा चीक एरिया हो गया, यहाँ पे यूज़ होगा। और एक छोटा है जो जैसे नोज़ के आसपास या अपने लिप्स के आसपास या अंडर आए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से फर्म स्ट्रोक से आपके पूरे फेस को कवर किया जाता है एंड ट्रस्ट मी इट्स एक्चुअली लाइक अ हॉट मसाज जो आपके फेस को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टिंग है। इसके पीछे टेक्निकलिटी क्या है वो मुझे नहीं पता, वो जब नेक्स्ट टाइम मैं डॉक्टर गोयल से मिलूंगी तब उनसे आपको डेफिनेटली बताऊंगी, बट इट्स वेरी अमेजिंग। सो एक साइड का नेक जॉ लाइन एरिया हो गया एंड नाउ मूविंग ऑन टू द फोरहेड। अभी हम फोरहेड कवर करेंगे। लाफ लाइन तो इसमें क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा और लिफ्ट होगा। अब लास्ट जो दूसरी तरफ का फेस रह गया है उसको भी ताइबा कवर कर रही है एंड आप मुझे देख के अंदाजा लगा सकते हो कि आई एम ऑलमोस्ट स्लीप, बहुत बहुत ही ज्यादा रिलैक्स और फ्रेश फील हो रहा है।
और ये लास्ट में एक सीरम लगा के मसाज की जाती है, जो इस तरीके से आपके फेस पे फ्रॉथी हो गया है, लेकिन इसके बाद जो है आपकी स्किन इसे एब्जॉर्ब कर लेगी और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और एक ग्लो आ जाएगा. सो बेसिकली इट बूस्ट्स द ऑक्सीजन टू योर स्किन और बहुत ही अमेजिंग ग्लो आ जाता है आपके फेस पे. डन, हो गई है मेरी ट्रीटमेंट एंड आप देख सकते हैं कि एक लिफ्ट, इंस्टेंट लिफ्ट फील हो रहा है और बहुत फ्रेशनेस फील होती है स्किन में. हो गया? Done. कैसा लगा? बहुत मजा आया. बड़े फ्रेश लग रहे हो तुम भी. हम दोनों की स्किन पैम्परिंग डन. बड़ा मजा आया. फ्रेश बार पहले भी मैं ये कर चुकी हूँ एंड मुझे पता है इसके रिजल्ट्स कितने ज़्यादा अमेजिंग होते हैं. इट इज़ कॉल्ड द क्रिस्टल आरएफ फेशियल एट क्यूटस. और पता है ये सबसे अच्छा है अगर आपको इंस्टेंटली, जैसे कल किसी पार्टी के लिए जाना है या कोई फंक्शन है, एक इंस्टेंट टाइटनेस चाहिए अपने फेस पे, ग्लो चाहिए, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है उसके लिए, एंड आपकी जो रिंकल्स हैं वो रिड्यूस करने के लिए. अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करवाते रहेंगे तो ऑब्वियसली एज अ होल आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स सब रिड्यूस होंगे, आपकी स्किन को जो है वो अपलिफ्टमेंट मिलेगा. लेकिन एक इंस्टेंट जो इसमें ग्लो आता है और चेंज आता ना, वो तो बहुत ही लाजवाब है. इससे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक लेगेसी करके ट्रीटमेंट था, वो मेरा फेवरेट था, बट अब हैंड्स डाउन दिस इज माई फेवरेट, क्योंकि इसमें एक इंस्टेंट जो आपको लुक चेंज दिखता है ना, वो बहुत ही लाजवाब है. एंड एट द सेम टाइम सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट करवाते वक्त ना आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है. यूजुअली ऐसे होता है जैसे अभी रेहान कह रहा है कि वो थोड़ा चिड़चिड़ होता है, तो वैसा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है. ट्रीटमेंट कराते हुए भी मस्त मजे लो, आराम करो, सो जाओ, बड़ी अच्छी मसाज मिलती है और उसके बाद जो ग्लो आता है माशाल्लाह उसकी तो बात ही कुछ और है. सो आई एम डन फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड आप सबको हम सबकी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर.